ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਹਰ ਦਿਨ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ देखो किवें मुंबई एयरपोर्ट ते कस्टम विभाग दे हत्थी चढ़िया ए भारतीय व्यक्ति पत्ती दे पैकेट दे विच लुको के लिया रहा सी करोड़ां दे हीरे सत श्री अकाल टीवी एन आर आई देख रहे हो तुसीं ते मैं हां अंजली अक्सरी देखिया जांदा है कि भ्रिष्टाचारी लोग जिहड़े ने उह सोने या फिर पैसे की तस्करी करते हैं। दस्या जाता है कि भारत तो कई लोग विदेशों के विच इह सोना गहना या फिर पैसे जिहड़े ने उन्हां दी तस्करी करके दूसरे देशों के विच भेजते हैं ते कई लोग बाहरले देशों तो यह सोना खरीद के भारत के विच लियांदे ने। पर हाल ही दे विच कस्टम विभाग के द्वारा हीरिया की तस्करी जो करन वाले एक भारतीय व्यक्ति नू काबू किया गया। दस दिए कि बड़ी चलाकी दे नाल इह भारतीय व्यक्ति दुबई तो हीरिया की तस्करी कर रहा सीगा। बड़ी ही चलाकी दे नाल इसने जिहड़ा है हीरिया नू एक पैकेट दे विच लुकोया होया सीगा, चाह पत्ती दे पैकेट दे विच इन्हां हीरिया नू लुकोया होया सी, जिसकी नज़र जिहड़ी है जिसते जिहड़ा है कस्टम विभाग की नज़र पै जांदी है तां इस व्यक्ति नू काबू कर लिया जाता है। दस दिए कि मुंबई के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट तो यह व्यक्ति काबू होया जिसनों की हुण अदालत दे विच पेश किया गया। इस सारे मामले के बारे हुण तक की जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक मुंबई एयर कस्टम विभाग के वलों दुबई की जिहड़ी है यात्रा करन तो बाद भारतीय नागरिक जिहड़ा है वापस परतिया सीगा। जदों ये मुंबई एयरपोर्ट पर पहुँचता है तो इसके कोलों एक पत्ती का पैकेट बरामद हुंदा जिसके विच कि कस्टम विभाग को कुछ गलत होने की जिहड़ी है आशंका हो जाती है। जिस तों बाद चैकिंग की जाती है तो उस पत्ती के पैकेट के एक करोड़ 49 लाख रुपए के जिहड़े कुदरती प्रयोगशाला दे विच तैयार किए हुए हीरे जिहड़े सन वह बरामद किए जाते हैं। दस दिए कि 1549.6 कैरेट हीरे जब्त किए गए हैं जो कि इस वेले अधिकारियों के द्वारा इसकी जांच के लिए भेज दिए गए हैं। दस दिए कि दोषी को बुधवार को गिरफ्तार किया गया सी, पर इसकी वीडियो जिहड़ी है कस्टम विभाग के द्वारा तलाशी किए जाने की वीडियो जिहड़ी है हुण सामने आई है। हुण इह व्यक्ति नू पुलिस के द्वारा काबू करके न्यायिक हिरासत के विच भेजा गया ते नाल दी नाल कस्टम विभाग के अधिकारियों का कहना कि जब्त किए गए जिहड़े हीरे ने बड़ी चलाकी दे नाल इह चाह दे पैकेट के अंदर लुकोए गए सन, पत्ती दे विच लुकोए गए सन। जदों मामले की हुण जांच की जा रही है, इस तों पहलां दस दिए कि कोचीन कस्टम अधिकारियों के वलों भी शुक्रवार को इंडिगो एयरलाइंस तो जहाज तो एक व्यक्ति नू काबू किया जाता है जो कि टॉयलेट तो लगभग 85 लाख रुपए तक का सोना जिहड़ा है वह लैके इतने आ रहा सीगा। उसके वालों इस चीज़ की जिहड़ी है तस्करी की जा रही थी। उसके कोलों भी 85 लाख रुपए का सोना जिहड़ा है वह बरामद कर लिया जाता है। सोने का एक पेस के रूप के जो कि दो दसिया जाता कि बैग जिहड़े उस टॉयलेट के छड़े हुए बरामद किए जाते हैं। अधिकारियों का कहना सीगा कि यह सोने का भार जिहड़ा है 1709 ग्राम तक सीगा और कोचिन कस्टम विभाग के मुताबिक इंडिगो एयरलाइंस के स्टाफ के द्वारा यह जानकारी उन्होंने मिली सी कि एयरलाइंस की फ्लाइट के ही एक टॉयलेट के पेस के रूप के सोने के दो लवारिस पैकेट पए हुए हैं जिन्हों बाद कस्टम विभाग के अधिकारियों ने उसनों काबू किया। बाद इसकी जाँच पड़ताल की गई तो जाँच पड़ताल तो बाद इस व्यक्ति भी काबू कर लिया जाता है। फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक मुंबई एयरपोर्ट तो जो व्यक्ति काबू किया गया उसकी जाँच पड़ताल की जा रही है। न्यायिक हिरासत के इस व्यक्ति इस वेले भेजा गया तो उसके कोलों 1.49 करोड़ रुपए के जेडे हीरे बरामद किए गए हैं। दस दिए कि कई पैकेटों के पाए गए हैं कस्टम विभाग के द्वारा। जो तस्वीर सामने आई ने जो वीडियो भी सामने आई उस देखा जा सकता है कि किमें चलाकी दे नाल इस व्यक्ति ने दुबई तो पत्ती के पैकेट के हीरे लुकोए हुए सन ते बाद दे विच जो कि कस्टम विभाग के हत्थी लग जाते। आरके तांत्रिक अघोरी तांत्रिक इन कामख्या असी कहते नहीं करके दिखाते हैं। किसी भी तरह का काला जादू करो या तुड़वाओ केवल 8 घंटिया विच, सिर्फ 5 घंटिया विच आज ही वशीकरण करवाओ या फिर तुड़वाओ। कारोबार, नौकरी, प्रेम विवाह, झगड़े, दुश्मन तो छुटकारा, विदेश यात्रा, घरेलू कलेश, पढ़ाई विच रुकावट, सिर्फ 11 घंटे विच पाओ किसी भी तरह की समस्या का हल। जेकर आज ही कह दिता कि लॉटरी निकलेगी तो 100% लॉटरी कट के दिखाते हैं। कॉल या व्हाट्सएप करो 9460170252 उते। साड़ा पता है कामख्या पीठ गुवाहाटी असम,
पिन कोड है 78101।